नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि धनतेरस क्या है और ये क्यों मनाया जाता है। क्या आपको पता है कि इस दिन कुछ लोग ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जो कि अशुभ होती हैं। लक्ष्मी जी आती तो हैं लेकिन फिर उल्टा वापस चली जाती हैं। फिर आप सोचते हैं कि सब कुछ तो ठीक किया था, फिर गड़बड़ कहाँ हो गई। गड़बड़ यहाँ हो गई। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको सब समझ आ जाएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका सीताराम टीवी पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कथा में गुरु जी ने बताया है, धन त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी देवताओं के वेद हैं। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करके लोग अच्छे स्वास्थ्य का वरदान पा सकते हैं। इस दिन भगवान धन्वंतरी समंदर से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस दिन को धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। गुरु जी ने बताया है कि जब धन्वंतरी प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश था। इस दिन खास तौर पर बर्तनों, गहने आदि की खरीदारी भी शुभ मानी जाती है। इस दिन की गई खरीदारी में 13 गुना वृद्धि होती है, इसीलिए खरीदारी को शुभ मुहूर्त में करके भक्त कई गुना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धनतेरस के दिन शॉपिंग का विशेष महत्व होता है। धनतेरस के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की चांदी की प्रतिमा को घर लाना शुभ माना जाता है। इससे घर, नौकरी और व्यापार में सफलता मिलती है। धनतेरस के दिन यम देवता की भी पूजा का विधान है। इससे यम देवता को दीपदान किया जाता है। इस दिन यम देव की पूजा करने से घर में असमय मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर और माता लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है। इस दिन माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। अपने घर से दरिद्रता और गरीबी को दूर करने के लिए, सुख समृद्धि की कामना के लिए माँ लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करने के लिए हम सभी धनतेरस वाले दिन खरीदारी करते हैं। खरीदारी करने के लिए धनतेरस को बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन इसे लेकर कथा में गुरु जी ने बताया है कुछ नियम। इसमें धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं, इस बारे में विस्तार से बताया गया है। आम तौर पर जानकारी के अभाव में लोग धनतेरस के दिन गलत चीजें खरीद लेते हैं और इससे अनजाने में वे अपनी जिंदगी में कई संकटों को बुलावा दे बैठते हैं। आइए जानते हैं धनतेरस पर किन चीजों की खरीदारी गलती से भी नहीं करना चाहिए। नंबर 5, एल्यूमिनियम, लोहे की चीजें, स्टील की चीजें। धनतेरस पर बर्तन खरीदना तो बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन कथा में गुरुजी ने बताया है कि इस दिन कुछ धातु खरीदना वर्जित है। इस दिन तांबे, पीतल, चांदी जैसी शुद्ध धातुओं के बर्तन खरीदना शुभ होता है, लेकिन स्टील के बर्तन खरीदना बेहद अशुभ होता है। ऐसा करने से जिंदगी कई मुसीबतों से घिर सकती है। स्टील शुद्ध धातु नहीं है दोस्तों, इस पर राहु का प्रभाव भी होता है। राहु का किसी भी तरह से घर में प्रवेश करना अशुभ माना जाता है। राहु के कारण घर में निर्धनता आती है, इसलिए धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन खरीदना अशुभ माना जाता है और इसी धनतेरस के दिन एल्यूमिनियम खरीदना बहुत बड़े संकट का कारण बन सकता है। ज्योतिष शास्त्र में एल्यूमिनियम को दुर्भाग्य का प्रतीक माना गया है, क्योंकि इस पर राहु का प्रभाव अधिक होता है। इसी तरह लोहा शनि देव से संबंधित है, लिहाजा धनतेरस पर लोहे की कोई चीज ना खरीदें, इससे धन हानि होती है। उसी तरह गुरुजी ने बताया है कि लोहे को शनि देव का कारक माना जाता है, इसलिए लोहे से बनी चीजों को धनतेरस पर खरीदने की भी गलती ना करें। ऐसा करने से आप कुबेर जी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। इसकी जगह कॉपर या ब्रॉन्ज के बर्तनों की खरीदारी की जा सकती है। लोहे या स्टील के बर्तन लेना ही है तो धनतेरस से आप पहले खरीद सकते हैं। यही बात एल्यूमिनियम धातु पर भी लागू होती है, इस पर भी राहु का प्रभाव अधिक होता है, इसे दुर्भाग्य कारक माना जाता है। तो ऐसे शुभ मौके पर एल्यूमिनियम की कोई भी चीज खरीदने से बचें। धनतेरस पर आपको प्राकृतिक धातुओं की ही खरीदारी करना चाहिए। मानव निर्मित धातु में केवल पीतल से बनी वस्तुओं को खरीदा जा सकता है। धनतेरस पर आप बर्तन खरीदते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि घर में खाली बर्तन ना लाएं। बर्तन लाते समय पहले इसे चावल या किसी और चीज से भर लें, कुछ ना हो तो पानी ही भर लें। नंबर 4, चीनी मिट्टी या कांच के बर्तन। धनतेरस पर चीनी मिट्टी या कांच से बनी चीजें भी ना खरीदें, इनका संबंध भी राहु से होता है।
हो सके तो धनतेरस के दिन इन चीजों का इस्तेमाल भी ना करें। धनतेरस पर चीनी मिट्टी या कांच से बने बर्तन या गुलदस्ता आदि चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, इनसे घर में बरकत की कमी रहती है। कांच के बर्तन या कांच की बनी कोई भी वस्तु धनतेरस पर नहीं खरीदी जाती। इस दिन चश्मा भी ना खरीदें। कांच का भी संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन इसे खरीदना अशुभ माना जाता है। इस दिन कांच की चीजों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। कारण ये भी है कि चीनी मिट्टी और कांच की वस्तुओं में चिरस्थायी नहीं होता है। धनतेरस पर कुछ लोग कांच के बर्तन या दूसरी चीजें खरीदते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन इसे खरीदने से बचना चाहिए। इसलिए इन दोनों चीजों को खरीदने और इस्तेमाल करने से बचें और दूसरों को भी इसकी सलाह दें। नंबर 3, नुकीली चीजें या धारदार वस्तुएं। गुरुजी बताते हैं कि धनतेरस के दिन नुकीली या धारदार चीजें नहीं खरीदना चाहिए। यहाँ तक कि इस दिन सुई भी ना खरीदें, ये घर में अशांति कलह का कारण बनती है। इस दिन छुरी, कैंची, सुई, हंसिया, पिन जैसी कोई भी धारदार चीजें ना खरीदें। धनतेरस पर इन चीजों को खरीदना अशुभ माना जाता है। नंबर 2, प्लास्टिक की बनी चीजें। गुरुजी ने कथा में बताया है कि धनतेरस पर कुछ लोग प्लास्टिक की बनी चीजें घर ले आते हैं। माना जाता है कि प्लास्टिक समृद्धिदायक नहीं है, इसलिए धनतेरस पर प्लास्टिक से बना किसी भी तरह का सामान घर ना लेकर आएं। इसलिए धनतेरस पर प्लास्टिक के बने खिलौने, गिफ्ट्स, उपकरण बिल्कुल भी ना खरीदे। माना जाता है कि प्लास्टिक बरकत नहीं देता है। नंबर 1, काले रंग की चीजें। धनतेरस के दिन कोई भी काले रंग की चीज घर में ना लाएं, यह बहुत ही अशुभ होता है। धनतेरस के दिन काले रंग की चीजों की खरीदारी ना करें। काले रंग को अशुभ और दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए धनतेरस जैसे शुभ दिन पर काले रंग की चीजें खरीदने से बचें। इसके अलावा धनतेरस के दिन मिलावटी या अशुद्ध चीजें ना खरीदें। इसमें कई चीजें हो सकती हैं, जैसे घी, बटर, बाजार में नकली भी बिकता है, तो तेल घी जैसी चीजें खरीदते समय सतर्क रहें। धनतेरस पर अशुद्ध तेल या घी के दीपक ना जलाएं। वैसे ही आर्टिफिशियल ज्वेलरी, नकली या मिलावट वाली धातु के बने सिक्के, इन सब चीजों को ना खरीदें। नकली गहने धनतेरस पर खरीदने पर अशुभता आती है, इससे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। धनतेरस के दिन झाड़ू, दरिया, दीपक पद, चिन्ह, कुमकुम आदि चीजों के साथ ही बतासा खरीदना भी आवश्यक होता है। यह माता लक्ष्मी का प्रिय भोग है। बतासा खरीदते समय ध्यान रखें, रंगीन बतासा ना खरीदें, सफेद बतासा ही खरीदना चाहिए। सफेद बतासा ही माता लक्ष्मी को अर्पित करें। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर खरीदें। माना जाता है कि झाड़ू से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और घर में खुशहाली छा जाती है। झाड़ू को घर में सुख समृद्धि का वर्धक माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको गुरुजी की ये बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय श्री राम जरूर लिखें। साथ में हमें बताएं कि अगली वीडियो में आप किस टॉपिक पर गुरुजी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।